ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय गुरुदेव। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे हेल्थ और हैप्पीनेस के सेशन सतीश शर्मा योगा हेल्थ में। दोस्तों, हमारा जो शरीर है ऐसी बहुत सारी अणु कोशिकाओं से बनी हुई है, जिसे कि बहुत सारी विटामिन्स, मिनरल्स और ऐसे तत्वों की ज़रूरत होती है जो कि हमारे ऊर्जा को बनाए रखे, हमारे शरीर को स्वस्थ रखे, और उसके लिए हमें अच्छे खान पान और फिर योगा प्राणायाम की ज़रूरत होती है। लेकिन जो लोग अगर योगा प्राणायाम नहीं कर सकते या फिर मेडिटेशन नहीं कर सकते, कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो भी स्वस्थ रह सकते हैं अगर अपने शरीर के अंदर एक स्वस्थ और काफ़ी अच्छे तत्वों को, मिनरल्स को अगर अब्सॉर्ब करें, और वो भी अगर नेचुरल मिनरल्स अगर बॉडी को मिले तो। और इन्हीं नेचुरल मिनरल में से एक है मध। जी हाँ, हनी हमारे शरीर को, जो मध होता है, मध में बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो हमारे शरीर को बहुत ही फुर्तीला और शक्तिशाली रखते हैं। मध के अंदर ग्लूकोज है, मिनरल्स है, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, क्लोरीन है, ऐसे बहुत सारे तत्व हैं जो कि नेचुरली मौजूद हैं और हमारे शरीर को बहुत 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 स्ट्रांग रखते हैं। तो आइए जानते हैं कि अगर हम हनी का यानी कि मध का अगर रोज सेवन करते हैं तो उसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो फायदा है वो फायदा ये है कि अगर आप रोज एक टीस्पून सुबह और शाम को अगर हनी का उपयोग करते हो, मध का उपयोग करते हो, तो आपकी सेहत बहुत ही शक्तिशाली होगी, पूरे शरीर के अंदर एनर्जी होगी, पूरा शरीर आपका शक्तिशाली होगा, पूरे शरीर के अंदर इम्यूनिटी पावर, ऊर्जा आपका, शक्ति पूरे दिन भर रहेगी अगर हम सेवन करते हैं। दूसरा इसका बहुत बड़ा फायदा है कि रात को जब आप सोते हो और प्रॉपरली अगर नींद नहीं आ रही है, मतलब नींद पूरी नहीं होती है और ड्यूरेशन ऑफ आवर्स बहुत कम है, क्योंकि टाइम ऐसा हो चुका है कि इंसान 8 घंटा तो बिल्कुल नहीं सो पाता, 6 घंटा भी प्रॉपरली नींद नहीं होती, तो उस 6 घंटे को एकदम पीसफुल और साउंड स्लीप बनाने के लिए आप रोज एक रात को गाय का दूध और उसके साथ में हनी मध 2 टीस्पून अगर आप डाल के ले रहे हो, और जो ml होने चाहिए अप्रॉक्सीमेट 200 ml, और वार्म मिल्क थोड़ा गर्म दूध के साथ, तो रात को सोने के टाइम पे वो कार्बोहाइड्रेट्स जो कंटेंट होता है हमारे शरीर के अंदर जाता है और मेलाटोनिन को प्रोड्यूस करता है, और बहुत ही अच्छी नींद आएगी, बहुत साउंड स्लीप आएगी अगर रोज आप इसका सेवन करते हो। यानी दूसरा फायदा है अच्छी नींद के लिए, एक आप सुबह जब उठते हो और सुबह उठने के बाद बहुत लोग वेट से, फैट से परेशान है, तो जिनको अपना वेट लूज करना है, शरीर के अंदर जो चर्बी या फैट है उसे अगर कम करना है, तो रोज सुबह आप हल्के से गर्म पानी में 1 टीस्पून हनी को मिला के उसे पी जाइए, देखिए क्या फायदा होता है, मिरेकुलस बेनिफिट है, मतलब बॉडी की जो फैट है वो एब्जॉर्ब होंगी, आपका वेट भी नीचे आएगा। ध्यान ये रहे कि जिनका ऑलरेडी वेट कम है तो उन्हें ये प्रक्रिया नहीं करनी है, वो फिर गर्म पानी और हनी का नहीं यूज करेंगे। उसका और एक फायदा है हनी का, अगर कहीं पे आपको जख्म हो जाता है, लग जाता है, समझिए यहाँ हाथ में अगर लग गया है, तो इसे अच्छे से धो लीजिए और हनी को, मध को यहाँ पे आराम से अच्छे ढंग से यहाँ पे लगा सकते हो आप, और फिर थोड़ा सा पट्टी बांध दीजिए, 2 दिन के अंदर आप देखोगे तो पूरा होंड यानी पूरा जो आपका घाव रहेगा वो एकदम भर जाएगा। दोस्तों, जॉन्डिस की भी बहुत आम समस्या होती है, खास करके गर्मियों के दिन में तो बहुत ही ज़्यादा होती है, तो जॉन्डिस एक ऐसी, या पीलिया जिसको हम कहें, ऐसा है कि उसका इलाज थोड़ा मुश्किल होता है। तो आयुर्वेदा में भी ये है कि अगर आप हनी को आम के साथ में, क्योंकि गर्मियों में आम का समय होता है, मार्च अप्रैल की अगर मैं बात करूँ, तो आम को अगर हनी के साथ आप मिला के खाते हो, पके हुए आम को, कच्चे आम भी चल सकते हैं लेकिन पका हुआ आम ज़्यादा फायदेमंद होगा, तो आपका जो जॉन्डिस या किसी को जॉन्डिस हुआ है उसके अंदर बहुत फायदा होगा, बहुत कंट्रोल होगा। अब आते हैं, कई माताएं बहनों को पीरियड्स के टाइम पे या फिर मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे
उन्हें पेन क्रैम्प्स बहुत तकलीफ होती है, तो वो भी अगर इस टाइम पे अगर इसका सेवन करें, हनी का सेवन करते हैं सुबह शाम दोनों टाइम पे, तो उससे बहुत राहत मिलेगी। और जैसे मैंने पहले बताया कि जब आम का अगर मौसम हो तो उसके साथ अगर आप, या तो फिर आंवला है, आंवले के साथ थोड़ा सा आंवला लेके उसके साथ अगर हनी लगा के अगर माताएं बहनें अगर उसको लें, तो उन्हें अपने क्रैम्प से पीरियड्स के समय जो तकलीफ होती है उससे बहुत ही फायदा होगा। दोस्तों हमारे जीवन इतनी लाइफ व्यस्त हो चुकी है कि क्या खाएं, कैसे खाएं, कब खाएं, कुछ उसका ये नहीं रहता है। लेकिन ये सब चीज़ें अगर हम रोज नेचुरल विटामिन्स को बॉडी के अंदर ले रहे हैं तो उसका बहुत बड़ा फायदा है। खान पान के साथ हमारे ब्यूटी या कॉस्मेटिक के लिए भी हनी बहुत फायदेमंद है। टीनेजर्स को खास करके या यंग जनरेशन में जो लोग हैं, पिंपल्स वगैरह आ जाती है उनको, फिर बहुत सारी मेडिसिन वगैरह यूज़ करते हैं जिससे और भी उनको उसका साइड इफेक्ट लेना पड़ता है। बट ये है एंटीऑक्सीडेंट बहुत ही रिच, उन्हें करना क्या है, हल्दी के साथ थोड़ा हल्दी और थोड़ा हनी, मान लीजिए आपके यहाँ यहाँ पिंपल्स है उसको आप इस तरह से लेके और ऐसे ऐसे चेहरे पे लगा लीजिए रात को सोते हुए, या तो अगर जब भी घर में है लगभग 2-3 घंटा वहाँ पे रहने दीजिए, और फिर हल्के से गर्म पानी के साथ उसको धो लीजिए। देखिए आपके पिंपल्स तुरंत गायब तो नहीं होंगे ना, बट उसी टाइम पे एकदम नॉर्मल होके हील होना शुरू हो जाएंगे ताबड़तोब। जैसे ही हनी और टर्मरिक आप लगाओगे तो हमारे स्किन के लिए भी बहुत फायदेमंद है, कॉस्मेटिक का काम करता है। हनी का रोज अगर आप 2 टीस्पून सुबह शाम लेते हो तो हमारा हार्ट जो है, हृदय जो है, हार्ट को बहुत अच्छे ढंग से हील करता है, हार्ट के लिए बहुत फायदेमंद है। कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी आम समस्या है जहाँ पे कि एक बार जब बॉडी के अंदर आ जाता है तो बहुत मुश्किल से उससे पीछा छूटता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल आने के बाद तब आता है जब आपकी लाइफ में कोई भी रूटीन नहीं है, नो एक्सरसाइज, नो योगा, नो वर्कआउट और फूड खान पान की वजह से। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है लेकिन आप रोज अगर सुबह शाम थोड़ा हनी का उपयोग कर रहे हो तो आपको कोलेस्ट्रॉल को भी मेंटेन करता है, बॉडी की टॉक्सिन्स को बाहर करता है, ये टॉक्सिन्स की प्रक्रिया के थ्रू इसे बाहर करता है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, पाचन तंत्र के लिए हनी बहुत ही बहुत फायदेमंद है। आँखों के लिए, आँखों की रोशनी, जिन्हें अगर चश्मा लगा हुआ भी है तो आपके चश्मे का नंबर आगे नहीं बढ़ेगा, जितना है उतना ही रहेगा। आईज में अगर आपके इन्फेक्शन हो जा रहा है या रेडनेस आ जाती है जिसको आँख आना कहते हैं, तो आप जो ऑर्गेनिक हनी है यानी कि जो चूना हनी है, मध है, उसको अगर एक एक बूंद आप लगा सकते हो, थोड़ा सा हल्का सा जलन होगा, आप देखोगे आँखों की रेडनेस पूरी तरह से गायब होगी। इनफैक्ट इन शॉर्ट अगर कहूँ तो जितना अगर मैं फायदा बताऊँ उतना कम है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हनी हमारे माइंड को, ब्रेन्स को भी बहुत ही शार्प रखता है, आपकी याददाश्त शक्ति को बढ़ाता है, और सबसे बड़ी बात आपकी इम्यूनिटी सिस्टम जो आज के डेट में बहुत ज़रूरी है, जैसे कि एंटी बैक्टीरियल जो भी वायरस है उसके लिए ये एकदम तैयार करता है हमारे सेल्स को मजबूती के साथ उनसे लड़ने के लिए, इतनी पावरफुल है। डायबिटीज़, जिन्हें डायबिटीज़ है वो भी हनी का सेवन कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर्स के कंसल्ट के बाद, और स्पेशली मैं उनको रिकमेंड करूंगा जिन्हें टाइप 1 डायबिटीज़ है। टाइप 1 डायबिटीज़ वाले अगर हनी का 1 टीस्पून अल्टरनेट डेज अगर आप इसका उपयोग कर रहे हो तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, लेकिन आपकी रिपोर्ट्स को डॉक्टर्स को बताते हुए आप इसे कंसल्ट कीजिए। तो हनी का दोस्तों बहुत ही चमत्कारिक फायदा है, एक नैसर्गिक तत्व है, नैसर्गिक मिनरल्स है, नेचुरल मिनरल्स है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, तो इसे रोज उपयोग कीजिए और अपने शरीर को शक्तिशाली रखिए, स्वस्थ रखिए, मस्त रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। जय महाकाल, जय गुरुदेव। अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। जय हिंद, सी यू सून।